बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं पायस के गुणधर्म के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था पायस जो होता है किसे कहते हैं, पायसीकरण एमल्सन जो वर्ड आया था उसमें हमने बताया परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षिप्त माध्यम जो होता है उन दोनों यानी दोनों की भौतिक अवस्था जो होती है वो क्या होती है, द्रव होती है। दोनों लिक्विड स्टेज के अंदर होते हैं तो पायसीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था तेल और जल, जल का तेल में पायसीकरण या तेल का जल में पायसीकरण पढ़ा था हमने, दो भाग इसके अंदर पढ़े थे है ना। आज हम लेने जा रहे हैं पायस के गुणधर्म कि भाई पायस जो होता है पायस के गुणधर्म क्या है। तो इसका सबसे पहला गुणधर्म जो है ना, देखो पहला पॉइंट आता है कि इस पायस के कोलाइड कण जो होते हैं, पायस के कोलाइड कण का आकार जो सामान्य सॉल होते हैं, कोलाइड सॉल जो होते हैं, सॉल के कणों के आकार की तुलना में, कणों के आकार की तुलना में क्या होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है। हम कोई भी जैसे नॉर्मली किसी कोलाइड सॉल्व की बात करते हैं तो कोलाइड सॉल्व की अगर अपन तुलना इस पायस से करेंगे तो पायस भी क्या है, एक तरह से कोलाइड है ना। तो उसके कणों का जो आकार है वह एक सामान्य कोलाइड सॉल्व जो होता है उसके कण के जो आकार है उनकी तुलना में अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है। हमें ये आंखों से पूर्ण रूप से क्या होते हैं, दिखाई दे सकते हैं। हम कहते हैं ना ये कण दिखते हैं तो वो इसी प्रकार से इसको दिया गया है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल लास्ट में बताऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। लास्ट ये वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि पूरा देखोगे तो मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा प्रयोग करके। हालांकि वो प्रयोग तो छोटा सा ये कुछ भी नहीं है लेकिन लास्ट वाला जो मैं आपको इसमें साथ में बता रहा हूँ पॉइंट वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। केमिस्ट्री उसी से आपको लगेगा कि वास्तव में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना। होती है होती नहीं है ठीक है ना। तो देखो आप पायस के कोलाइड कण का आकार सॉल के कणों के आकार की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है। पहला गुण इसका ये हुआ ठीक है। दूसरा इसका ये गुण है कि पायस जो होता है यानी इमल्सन जो होता है ना, ये सामान्य कोलाइड जो होते हैं कोलाइड की तरह इनके द्वारा भी टिंडल प्रभाव, कौन सा टिंडल प्रभाव, और दूसरा ब्राउनी गति, कौन सी गति, ब्राउनी गति ये प्रदर्शित की जाती है। ये दोनों प्रदर्शित करती हैं, ये दोनों क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है कि पायस जो होता है पायस भी सामान्य कोलाइड जो होते हैं कोलाइड की तरह टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, मैंने आपको कहा था आप इस वीडियो कोई भी वीडियो देखते हो तो उसको ना ध्यान से देखिए और उसके नोट कीजिएगा पॉइंट। टिंडल प्रभाव आपको पता है ना कि कण जो प्रकाश होता है, प्रकाश को अगर कोलाइड विलयन में से गुजारा जाता है तो वो हमें एक वर्णी चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव के बारे में आपको बताया था मैंने, आकाश का रंग नीला होना है ना, समुद्र का पानी या तरण ताल जो होते हैं, तरण ताल का मतलब क्या हुआ, जो अपने स्विमिंग पूल होते हैं स्विमिंग पूल का पानी नीला होना, ये सब सब प्रभाव किसके थे, टिंडल प्रभाव के थे जो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करते हैं है ना। तो ये आपको बताया। ब्राउनी गति के बारे में बताया गया कि ब्राउनी ने बताया था कि कोलाइड कण जो होते हैं उनकी अनियमित गति पाई जाती है। पता है आपको, मैंने ही बताई थी, ये गण जो होते हैं ये इस तरह से कौन सी जिगजैग गति करते हैं, जिगजैग जो आपको अगर देखना है तो सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी देख सकते हो, सूक्ष्मदर्शी में पता चल जाता है कण कोलाइड का लेके फ्लाइट के अंदर रख के उसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर भी पता चल जाएगा, या सिनेमा हॉल वाला हमने उदाहरण लिया था ठीक है ना। तो पायस का ये एक और गुण हो गया ठीक है। तीसरा गुण है कि पायस जो होते हैं, पायस में जो जलीय पायस है, कौन से जलीय पायस, वो चालकता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, चालकता।
चालकता दर्शाने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप जलीय पायस लेते हो तो जलीय पायस का मतलब क्या होगा, जल इसमें परिक्षिप्त माध्यम है ना, यानी जल की मात्रा ज्यादा है और उसके अंदर तेल कम है, तो जल की मात्रा ज्यादा है तो आप उसके अंदर विद्युत का चालन आसानी से कर सकते हैं। तो ये अपना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चौथा पॉइंट आता है कि तेलीय पायस जो होते हैं, ये तो जलीय है, और चौथा बताते हैं तेलीय पायस। तेलीय पायस जो होते हैं इनकी श्यानता अधिक होती है। इनकी श्यानता क्या होती है, अधिक होती है। अब आपको जैसे आप देखते हो कि तेलीय पायस की श्यानता अधिक होने का मतलब क्या हुआ, तेल है तो अगर अपन ढलान में पानी और तेल को लेके जाएंगे तो सीधी सी बात है, ये ढलान है, इसके अंदर आप पानी गिराओ तो पानी बहुत तेज गति से बढ़ेगा, और तेल होता है वो पानी की तुलना में बहुत क्या होगा, उसकी गति धीमी होती है। श्यानता क्या होता है, द्रव के बहने का गुण, जो इसका विरोध होता है, द्रव के अंदर ये गुण पाया जाता है जो उसके बहने का क्या करता है, विरोध करता है, उससे अपन क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। तो तेलीय पायस जो होते हैं, तेलीय पायस उसमें वसा के कण बहुत अधिकतम होते हैं, इसलिए इसकी श्यानता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। और श्यानता अधिक होती है। और लास्ट पॉइंट है कि हम पायस को गर्म करके, या तो आप पायस को गर्म करो, ठीक है, या इसमें विद्युत अवघटन मिलाओ, विद्युत अवघटन का आधिक्य मिलाओ। तो जब आप पायस को बहुत ज्यादा ताप पर गर्म करोगे या उसमें अधिक मात्रा में विद्युत अवघटन पदार्थ मिलाओगे तो इसका पायसीकरण जो होता है ना, क्या कह सकते हैं, इमल्शन जो होता है, इमल्सीकरण, ये पायसीकरण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। पायसीकरण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। तो देखो आप इसके मुख्य रूप से कितने गुण हुए, पांच गुण आपको स्पेशली याद रखने। पहला कोलाइड कणों का आता किसके, पायस के, सामान्य कोलाइड सॉल की तुलना में क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। दूसरा पायस सामान्य कोलाइड की तरह टिंडल प्रभाव भी दर्शाते हैं और ब्राउनी गति भी दर्शाते हैं। तीसरा पायस में जलीय पायस जो होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत चालकता दर्शाते हैं, और तेलीय पायस की शांता क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। और पायस को जब आप गर्म करोगे या उसमें कोई विद्युत अवघटन पदार्थ ज्यादा मात्रा में मिलाओगे तो पायस के अंदर क्या होता है, कोलाइड कण जो होते हैं वह विद्युत अवघटन के साथ में मिलकर क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएगा, अवक्षेप में बदल जाएंगे, जिससे उसका पायसीकरण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें पांच गुण किसके ध्यान में रखने हैं, पायस के, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अब हम लेते हैं इसमें पायस की पहचान कैसे की जाती है, कि भाई हमने दो भाग पढ़े हैं पायस के, एक पढ़ा था ना जल तेली, एक हम पढ़ते हैं नॉर्मली जलीय पायस और दूसरा पढ़ते हैं तेलीय पायस। क्या होते हैं, इसकी पहचान कैसे करोगे, आपके सामने कोई पायस रख दिया तो उसकी पहचान कैसे की जाती है, तो इसकी तीन विधियां दी गई है, ठीक है ना। इन तीन विधियों से इसकी पहचान होती है, वो कैसे होती है, देखो आप वैसे तीन है, हम चार ले लेंगे, बस तीन की जगह क्या कर देंगे, चार कर देंगे। तो अब लेते हैं अपन पायस की पहचान, पायस की पहचान, ठीक है। तो इसमें कितनी विधियां हैं, देखो आप सबसे पहली विधि हम लेते हैं, विधियां पहली विधि है सूचक विधि, सूचक विधि द्वारा, ठीक है। सूचक विधि द्वारा क्या होता है इसके अंदर, कि हम जो पायस ले रहे हैं उस पायस में ऐसे केमिकल मिलाओ या सूचक मिलाओ जो तेल के अंदर घुलनशील हो, तेल में क्या हो, विलेयशील होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है कि पायस में ऐसे सूचक मिलाए जाते हैं, सूचक मिलाए जाए जो तेल में क्या हो, विलेयशील हो, जो तेल में विलेयशील हो, तेल में क्या हो, विलेयशील, ठीक है। ऐसे ही सूचक लेने हैं हमें,
क्योंकि पायस दो प्रकार का है, ठीक है ना। पायस कौन सा है? एक तो है जलीय और दूसरा है तेलीय। दो पायस होते हैं मुख्य रूप से ये, ठीक है ना। अब देखो आप, हम इसके अंदर दो एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। एक दिया गया है, ये सूचक दिए गए हैं, तो सूचक में पहला सूचक दिया गया है सूडान थर्ड, ये सूचक है, ठीक है। और दूसरा दिया गया है फ्यूसिन, इन दोनों में से कोई भी एक, या तो सूडान लो या फ्यूसिन लो। अब होता ही है कि हमारे पास जो पायस है ना, उस पायस के अंदर हम जैसे ये मिलाएंगे तो इसमें ये लिखा जाता है कि यदि पायस क्या हो, तेलीय हो, पायस क्या हो, तेलीय हो, दिया हुआ हो, ठीक है ना, तो इसका रंग गहरा हो जाता है। रंग क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा, ठीक है। और यदि पायस जलीय हो, तो देखो हमने क्या कहा पहले कि ऐसे सूचक लिए जाते हैं जो तेल में विलयशील है। अब जो तेल में घुलेगा वो जल में अविलय होगा, तो यदि उसको आप देखो हमारे पास पायस दिया है उसमें पता नहीं है कौन सा है, और हमने सूडान अगर इसके अंदर डाल दिया जलीय पायस के अंदर, तो उसके अंदर घुलेगा ही, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि विलयशील हो, कि अगर आप पायस जलीय है तो हम कह सकते हैं कि विलयन क्या रहेगा, इसका विलयन रंगहीन ही रहेगा। क्या रहेगा? रंगहीन, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर विलयन का रंग गहरा हो जाता है, क्या हो जाए, गहरा, तो विलयन का रंग गहरा होने का मतलब कौन सा पायस होगा, तेलीय पायस। और अगर विलयन का रंग रंगहीन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो इसका मतलब वो कौन सा होगा, जलीय पायस होगा। तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि तेलीय पायस में यह सूचक घुलकर और विलयन क्या कर देता है, विलयन को या विलयन का रंग गहरा कर देगा। क्या कर देता है? गहरा करता है, ठीक है। और इसमें आप जो बताओगे कि यदि पायस जली है तो इसका विलयन क्या है, रंगहीन है, इसका मतलब क्या होगा कि ये सूचक जो होता है वो जल में क्या है, अविलय है। तो जल में अविलय होगा तो कोई प्रक्रिया इसके अंदर नहीं होगी। जब प्रक्रिया ही नहीं होगी इसके अंदर, तो सीधी सी बात है हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा पायस है। तो पहली विधि जो इसकी दी गई है, पहली विधि है सूचक के द्वारा किस प्रकार से हम बताएंगे कि ये जलीय पायस है या तेलीय पायस है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सेकेंड विधि लेते हैं इसके अंदर। अब सेकेंड विधि है जिसका नाम है तनुता विधि। क्या विधि दी गई है? तनुता। देखो क्या होता है। अब तनुता विधि को अपन जब समझते हैं, तो तनुता विधि जो दी गई है, आप बायो के जो स्टूडेंट है जिन्होंने जनरली 11th क्लास के अंदर या अभी जैसे 12th में, तो अभी चलो लॉकडाउन के कारण अपने प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हो रहे, तो उसमें कवर किए स्लाइड का उपयोग किया था। तो सेकंड विधि अपन लेते हैं तनुता विधि। देखो सेकंड क्या है, तनुता विधि। तो तनुता विधि में क्या करते हैं हम, पहले एक स्लाइड लेंगे, ठीक है ना। स्लाइड आपको पता है, ये स्लाइड होती है कांच की पतली पट्टी होती है ना, देखो ये होती है स्लाइड, कांच की पट्टी है, ठीक है। इस कांच की पट्टी के ऊपर हम कोई भी क्या लेते हैं, पायस लेते हैं। अब हमें ये पता नहीं है कि पायस कौन सा है, तेलीय है या जलीय, ठीक है ना। तो इसका पता कैसे करते हैं? इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पायस, ये स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर दो बूंदे हम किसकी ले लेंगे, पायस की ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये प्रयोग बता रहा हूं छोटा सा। अब जैसे इसके ऊपर मैंने एक ड्रॉप रख दी है पायस की,
ये देखो आप दिख रहा है ना। अब हमें पता करना है कि ये पायस जलीय है या तेलीय, तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पानी की दो बूंद, कितनी पानी की, जैसे पानी ले रहा हूं मैं, ये जैसे मैं इसके ऊपर पानी डाल रहा हूं, ये ठीक है। अब पानी जैसे इसके अंदर डालेंगे, आप देखो आपको पता है पानी इसके अंदर घुलता नहीं है, तो ये देखो ये दो लेयर बनेगी इसमें, आपको दिख रहा होगा, ये मैं यहां से हट जाता हूं, ये देखिए कैमरे के अंदर है ना ये। अब इसमें क्या हो रहा है कि दो लेयर बनती है, तो दो लेयर से हमें ये पता चल जाएगा कि पानी इसके साथ में विषमांगी मिश्रण बनाता है। तो विषमांगी मिश्रण बनाने का मतलब ये होगा कि ये एक तेलीय पायस है। क्या है देखो इसको ध्यान से देखिएगा, ये अब इसमें थोड़ा वीडियो में क्या है लाइट के कारण दिख रहा नहीं है, है ना ये, तो इसमें ना हम ये बता सकते हैं, आप ये घर पे भी कर सकते हो प्रयोग, ठीक है। तो इसमें दो लेयर मतलब अलग अलग दिखेगा, पानी अलग होगा तेल अलग होगा, ठीक है ना। तो पहले ये जो तनुता विधि है, तनुता विधि क्या कहती है कि अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्लाइड लेते हैं कांच की, इस स्लाइड के ऊपर हम पायस की दो बूंद डाल देते हैं, जैसे ये पायस है ठीक है। अब इस पायस के ऊपर हम क्या करते हैं पानी की बूंद डालते हैं। अब जैसे हमने पानी डाला और पानी डालते ही जैसे ये पानी की बूंद आई इसमें, तो पानी की बूंद इसके अंदर अलग से दिख रही है ना। इसका मतलब ये होगा कि ये एक क्या बनेगा, विषमांगी मिश्रण बनता है। क्या बनता है, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण बनने का मतलब ये होगा कि ये जो पायस है, ये पायस कौन सा होगा, तेलीय पायस कहलाएगा। कौन सा पायस कहलाएगा, तेलीय पायस कहलाता है, ठीक है। और अगर आप इस स्लाइड के ऊपर आपने कोई पायस रखा है, ठीक है ये पायस है, और पायस रख के आपने जैसे इसमें पानी डाला, तो पानी इसके अंदर पूर्ण रूप से जैसे ये घुल गया, मतलब दोनों एक दूसरे के अंदर विलय हो गए, और ये अगर मान लो समांगी मिश्रण बनता है, कौन सा समांगी मिश्रण बनता है, तो इसका मतलब ये कौन सा पायस होगा, जलीय पायस कहलाता है। तो आपको अगर इसका पता करना है कि जलीय है या कौन सा है तेलीय पायस है, तो स्लाइड लीजिए, स्लाइड के ऊपर पायस रख दीजिए, पायस की दो तीन बूंदे डाल दो, फिर उसके ऊपर पानी डालो, अगर विषमांगी मिश्रण बनता है तो क्या कहलाएगा, तेलीय पायस, और अगर समांगी मिश्रण बनता है तो क्या कहलाएगा, जलीय पायस कहलाता है। तो ये दूसरी विधि है जिसका नाम दिया गया है तनुता विधि। तो लैंग्वेज समझ में आई, वापस सुन लो, स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर हमने पायस लिया, पायस के अंदर ये, इसके अंदर ये क्या मिलाया है हमने, जल, ठीक है। तो जल मिलाने पर, जल मिलाने पर अगर विषमांगी मिश्रण बनता है तो तेलीय पायस है, और अगर समांगी मिश्रण बनता है तो कौन सा होगा, जलीय पायस कहलाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और तीसरी विधि है वो है चालकता विधि, जो अभी अपन ने पढ़ा था कि ये जो जलीय पायस है वो चालकता प्रदर्शित करता है, चालकता इसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो चलो आप देखो लास्ट विधि है इसकी तीसरी, ठीक है ना, ये विधि कहलाती है चालकता विधि, तीसरी है चालकता विधि, और चौथी है, साथ में इस तीसरी के अंदर ही दिया हुआ है लेकिन मैं इसको चौथी बता देता हूं, श्यानता द्वारा, श्यानता द्वारा, ठीक है। तो चालकता विधि में ये है कि जलीय पायस एक, और दूसरा है कौन सा, तेलीय पायस, तेलीय पायस, ठीक है, इसमें भी हम लेते हैं जलीय पायस, और दूसरा कौन सा आएगा, तेलीय पायस, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हो कि जलीय पायस जो होता है उसकी चालकता अधिक होती है, इसकी चालकता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो जिसकी चालकता अधिक होगी वो कौन सा होगा, जलीय पायस होगा, और जिसकी चालकता कम होती है, चालकता बहुत कम होती है या कम होती है, ठीक है ना, तो वो कौन सा पायस होगा, तेलीय पायस कहलाएगा। और अभी अपन ने इसके गुणों में ही पढ़ा है
श्यानता, श्यानता ज्यादा किसकी होती है? तेलीय पायस की। तो इसकी श्यानता क्या होती है? अधिक होती है, श्यानता अधिक होती है ना। और तो जलीय पायस की श्यानता क्या होगी? कम होगी। श्यानता क्या होगी? कम होती है। तो आप देखकर भी इसको पहचान सकते हो कि जिसकी श्यानता, जिस पायस की श्यानता अधिक होगी वह तेलीय पायस कहलाएगा, और जिसकी श्यानता कम होगी वो कौन सा कहलाएगा? जलीय पायस कहलाएगा। इसी तरीके से जलीय, जिसकी चालकता का मान अधिकतम होगा, विलयन जो होता है जिसमें पानी ज्यादा है, तो पानी के अंदर आयनों की मात्रा ज्यादा होगी तो वो जलीय पायस कहलाएगा, और चालकता जिसकी कम होती है वो कौन सा कहलाएगा? तेलीय पायस कहलाता है। तो ये तीन विधियां थी, वैसे इसके अंदर ये लिखा हुआ था तो मैंने इसको अलग ही बता दिया, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और लास्ट आता है इसका, वो है पायस के उपयोग। क्या है पायस? जो होता है पायस के उपयोग उनको लिखने हैं। तो तीन चार उपयोग हैं जनरल, आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। तो पायस के उपयोग में देखो, पायस के उपयोग, ठीक है ना। तो पायस के उपयोग में पहला उपयोग ये दिया है कि मानव के अंदर जो पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया में, मानव में पाचन क्रिया में पायस का उपयोग होता है। पायस का उपयोग होता है। अब पाचन क्रिया में कैसे होता है? तो ये जनरली आपको ध्यान में रखना है, जो वसा के कण होते हैं, वसा के कण क्या होते हैं? बृहद आकार के होते हैं। यानी वसा जो होती है, वसा के कण जैसे बृहद आकार के होते हैं, ये क्या है? वसा का कण है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एंजाइम की क्रिया थोड़ी क्या होती है? धीमी गति से होती है या बहुत ही कम गति से होती है। एंजाइम क्या करते हैं? इनको परिवर्तित करने में काम में लिए जाते हैं। तो ये वसा का जो कण है, जठर रस जो होता है अपना, ये जठर रस के नाम से जिसे अपन जानते हैं, तो जठर रस क्या करता है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा। मतलब ये जो एक बृहद कण है ना, इसके कई छोटे छोटे क्या कर देगा? टुकड़े कर देगा। तो छोटे छोटे टुकड़े जब होंगे, ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। ये कौन करता है? जठर रस, ठीक है। अब जब ये कण छोटे हो जाएंगे तो इसके ऊपर कौन क्रिया करेगा? एंजाइम क्रिया करेंगे। क्या करते हैं? एंजाइम क्रिया करेंगे। तो एंजाइम की क्रिया के लिए ये पायसीकरण का मतलब यही हुआ। पायस का मतलब यहां पर होता है पदार्थ या जो कण है इनको चूर्ण के अंदर परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बता सकते हैं अपन, ठीक है। और दूसरी चीज है कि वसा है, तो वसा लिक्विड स्टेज में होती है। जठर रस जो होता है ये भी लिक्विड स्टेज में होता है। एंजाइम होते हैं वो भी क्या होते हैं? लिक्विड स्टेज में होते हैं। तो ये जब आपस में सब जुड़ेंगे, परिक्षिप्त माध्यम और प्रवस्था, ये सब क्या है? लिक्विड स्टेज में है, द्रव अवस्था में, तो पायसीकरण हो जाता है, ठीक है ना। तो पायसीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार से इसमें अपन बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा, औषधियों के विभिन्न प्रकार की जो औषधियां हैं, इन औषधियों के लिए भी या औषधियों के निर्माण के अंदर भी पायसीकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे पैरासिटामोल वगैरह जो दवाइयां आती है, उन दवाइयों के अंदर भी क्या होता है? मतलब दो स्टेज होती है, दोनों क्या होती है? लिक्विड स्टेज के रूप में इसके अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा है इसका, वो अपन लेते हैं जैसे कपड़े धोने में, तो कपड़े धोने की क्रिया आपने पढ़ी है। तो कपड़े धोने में अपन ने पढ़ा था मिसेल निर्माण की क्रिया, कौन सी? मिसेल निर्माण की जो क्रिया थी, तो उसमें भी क्या था? तेल और जल और ऊपर से क्षारीय माध्यम साबुन वगैरह के कण थे, तो पूरा एक पायसीकरण होता, मिक्सचर बना था। तो वो कपड़े धोने के अंदर भी ये उपयोगी होता है। ये भी एक तरह से जो पाचन क्रिया होती है, ये भी क्या होती है? मिसेल के हिसाब से ही बनती है, इसके अंदर मिसेल निर्माण के अंदर आती है। और चौथी आएगी धातुकर्म के अंदर। धातुकर्म के अंदर झाप लवण विधि जो होती है, एक आप पढ़ोगे धातुकर्म वाला जो पाठ है उसमें झाप लवण विधि के अंदर ये किया जाता है। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, ध्यान से सुनिएगा,
सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए, ये झाग प्लवन विधि जो होती है ना, ये सल्फाइड अयस्कों के लिए दी गई है। सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करने के लिए ये विधि काम में ली जाती है। कौन सी? झाग प्लवन विधि। इस विधि में क्या होता है कि एक बीकर लेके और इसके अंदर पहले तो क्या करते हैं, तेल डालते हैं। मुख्य रूप से क्या होता है, चीड़ का तेल। किसका? चीड़ का तेल होता है, चीड़ का तेल है। और साथ में पदार्थ मिलाया होता है सोडियम एथिल जेंथेट। एथिल जेंथेट ये दो पदार्थ होते हैं, एथिल जेंथेट, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें ऊपर अयस्क भी डाला हुआ रहता है। फिर इसमें क्या करते हैं कि एक विडोलक होता है ये इस तरह का, जिसके अंदर क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे अपन बिलोना करते हैं ना, वो प्रक्रिया होती है। तो बिलोने के अंदर क्या होता है, जोर से हिलाते हो आप, तो हिलाते हैं तो क्या होता है, वास्तव में ये बिलोना यूं करते हो आप, इसमें ये इस तरह से संरचना होती है ना, याद है, ये इस तरह से होता है, लकड़ी का लंबा यूं बना हुआ रहता है, ये जुड़े हुए रहते हैं। फिर आप इसको जोर से हिलाते हो तो इसके बीच के जो खाली जगह इसमें हवा होती है, तो यहां भी ये होता है कि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, विद्युत से चलता है, जब घूमेगा तो वायु के कारण इसमें क्या होते हैं, झाग उत्पन्न होते हैं, इमल्शन बनता है। तो ये झाग प्लवन विधि के अंदर भी पायस का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है ना। तो ये हमने मुख्य रूप से पायस क्या होता है, पायस के प्रकार कौन कौन से हैं, पायस के गुणधर्म कौन कौन से हैं, और पायस का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर पायसीकरण, पायस का टॉपिक खत्म हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट वीडियो आएगा वो है जो ये कोलाइड होते हैं, कोलाइड का उपयोग क्या है, ठीक है ना, इस उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने अभी आपको कहा था कि मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, देखो ये आपको दिख रहा है, ये भी एक तरह से कोलाइड सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, मैंने दो पदार्थ लिए, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, पहले उनका जलीय विलयन बनाया, ठीक है, और जलीय विलयन बना के दोनों का अलग अलग, और फिर उसकी रासायनिक क्रिया करवाई। रासायनिक क्रिया कैसे, दोनों को मिक्स किया और उच्च ताप पर गर्म किया, ठीक है ना। अभी आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर देखो हल्के से हो सकता है इसमें छोटे छोटे कण दिखें, ठीक है ना। अब देखो वास्तव में ये रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा। ये देखो आप, ये मैं इसको घुमा रहा हूं, ये देखो आप, कण दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, ये देखिए, ये पदार्थ को घुमाया, अब ये कण आप इसके अंदर देख रहे हो, छोटे छोटे जो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये लेड आयोडाइड के कण है, क्रिस्टल है, जो इसके अंदर विषमांगी मिश्रण बनाए हुए। तो ये भी एक तरह से क्या है, कोलाइड सॉल्यूशन है, और इसको नाम दिया जाता है केमिस्ट्री के अंदर गोल्डन रेन के नाम से जाना जाता है, यानी सोने की बारिश, यानी जो आप कण देख रहे हो ये सोने की बारिश के रूप में होते हैं। देखो ये अपन ने क्रिया कराई, ये इस तरह से हमारे को इसमें दिखाई देता है, ये देखिए आप इसमें आराम से कण दिख रहे हैं ना, ये गोल्डन कण, ये देखो आप, है ना। तो ये कण है इसके अंदर, तो ये गोल्डन रेन के नाम से जानी जाती है, जिसमें कण जो आप चमकीले चमकीले कण दिख रहे हैं ना, ये यही होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से क्या है, कोलाइड सॉल्यूशन है, जिसमें मैंने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट जो है ना, इनका विलयन बनाया और फिर उनकी आपस में क्रिया कराई, तो लेड आयोडाइड के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जो चमकीले दाने आपको दिख रहे हैं वो लेड आयोडाइड के थे, ठीक है ना। तो आप बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।